तो भाई लोग, आज की दोनों आप लोगों को मैं टॉप 5 बेस्ट गोल्ड करेक्टर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो क्लास तक जरूर देखना। वीडियो जब भी अच्छी लगे ना तब वीडियो को लाइक करना, अभी लाइक मत करना, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का पे सेट कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 कैरेक्टर जो कि हमारे पास नोटोरा। नोटोरा कैरेक्टर बहुत ही ओपी कैरेक्टर है जो कि गोल्ड मिलता है। तुमको इसकी एबिलिटी बता दूं, इसकी एबिलिटी ये है कि अगर तुम डैमेज हो तो तुम बाइक को मतलब कि किसी भी व्हीकल को चलाओगे ना तो तुमको 5-5 एचपी करके ये देता रहेगा लेवल 1 पे। अगर लेवल 2 होगा तो इससे ज्यादा भी एचपी देगा ये तुमको। तो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे टीममेट को भी देता रहेगा, जो जब मतलब कि तुम्हारे साथ जो भी बंदा तुम्हारे व्हीकल पर बैठा ना उसका भी एचपी बढ़ाता रहेगा हर 4 सेकंड में 5-5 ज्यादा एचपी करके देता रहेगा तुमको। तो ये बहुत ही ओपी कैरेक्टर है। जब तुम रैंक पुश कर रहे हो और तुम जोन के बाहर रहो व्हीकल से, तुम अपने हेल्थ को मतलब रिकवर कर सकते हो इस तरह इसका यूज करके। तो ये बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जोटा कैरेक्टर। जोटा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओपी गोल्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखो इसकी एबिलिटी क्या है। तो एबिलिटी इसकी है, अगर तुम किसी बंदे को डैमेज दोगे ना तो तुम्हारी कुछ एचपी बढ़ेगी, और अगर तुम किसी बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देते हो ना तुम्हारी 10 एचपी बढ़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ लेवल 1 की। अगर लेवल मैक्स हो जाता ना इसका तो ये बहुत ज्यादा एचपी बढ़ाता है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास डैमेज है, मैं डैमेज हूँ यहाँ पे, डैमेज मैं एक बंदे को फिनिश करूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हो मेरी 10 एचपी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इस तरह करके तुम आराम से किसी भी बंदे को मार के अपना एचपी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो एक हेडशॉट दूंगा यहाँ पे, मैं एक बंदे को फिनिश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी एचपी 10 एचपी फिर से बढ़ जाएगी। तुम डैमेज हो तो किसी बंदे को नॉक करोगे या तो तुम किसी को डैमेज दोगे ना तो तुम्हारी एचपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तुम्हारा हेल्थ रिकवर हो जाएगा। बिना हेल्थ का सामान यूज किए तुम आराम से अपने हेल्थ को रिकवर कर सकते हो, और तो इस वाले के फाइट में यूज करके इस कैरेक्टर को आराम से फाइट को जीत सकते हो यार। तो नंबर 3 पे आता है मेरे पास लियो कैरेक्टर। लियो कैरेक्टर की एबिलिटी तो एक ही है लेकिन बहुत ही ज्यादा ओपी एबिलिटी है इसकी। तो यहाँ पे देखो इसकी स्किल क्या है कि यहाँ पे अगर तुम किसी भी फाइट को जीतते हो या तो तुम कहीं से भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता हो ना तो तुमको ये 30 एचपी तक तुमको दे देगा, तुम्हारी रिकवर हेल्थ को 30 एचपी तक रिकवर कर देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। तो देख सकते हो मेरी एचपी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है बढ़ना, तो यहाँ पे 30 एचपी तक मुझे देगा। तो देने के बाद भाई साहब इसका स्किल मतलब इस कैरेक्टर का यूज करोगे ना तो तुम किसी भी फाइट को आराम से जीत सकते हो। तुम्हारे अगर फाइट करते करते तुम्हारी हेल्थ कम हो जाती है तो यहाँ से 30-40 एचपी तुमको ये देगा, तुम्हारी हेल्थ को फिर से 30-40 एचपी तक रिकवर कर देगा। तो यार अभी तक तुमने लाइक नहीं कर रखा वीडियो को, लाइक जल्दी से कर दो, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है A124 कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। अब भाई साहब सभी बंदे बोलेंगे कि ये भाई साहब तुमको इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए तो इसको नंबर 2 पे क्यों रख रहे हो। तो देखो नंबर 1 पे एक इससे भी अच्छा कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, तो तुम देख के मुझे बताना कि कौन सा अच्छा कैरेक्टर है, A24 या तो नंबर 1 वाला जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो देखो इसकी स्किल क्या है कि जब जो तुम्हारा ईपी होता है ना इसको ईपी को तुम्हारे एचपी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब तुम्हारी हेल्थ बना देगा उसको, ईपी को तुम्हारी एचपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हर 4 सेकंड के अंदर मतलब 4 सेकंड के अंदर है तुम्हारे को 20 एचपी तक दे देगा, ये तुम्हारी ईपी को एचपी बना देगा अगर तुम लेवल 1 पे हो। तो अगर इसके कैरेक्टर का लेवल 1 है तो तुमको 20 एचपी तक देगा, मैक्स है तो यहाँ पे तुमको 60 एचपी तक दे सकता है। सबसे बड़ी बात इसका कूल डाउन टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, ये 10 सेकंड में फिर से कूल डाउन हो जाता है, इसका यूज तुम कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर फिर से यूज कर सकते हो यार। तो ये बहुत ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, इसका यूज करना। तो चलो बढ़ते अपने नंबर 1 कैरेक्टर की ओर। तो गोल्ड का नंबर 1 कैरेक्टर मेरे हिसाब से एग्जाम कैरेक्टर है। भाई साहब एग्जाम कैरेक्टर एक बहुत ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, इसकी दो दो एबिलिटीज हैं यार गोल्ड कैरेक्टर में। एक तो ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, दूसरी बात ये देखो पहली स्किल क्या है, ये तुमको तुम फेक मतलब कि जब तुम इसका यूज करोगे ना इसकी एक्टिव स्किल का यूज करोगे ये तुमको 80 एचपी तक दे देगा भाई साहब, 80 एचपी दे देगा। लेकिन इसकी 5-5-10 एचपी करके धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, जितना तुम्हारी एक्चुअल एचपी रहेगी ना वो उतना फिर से आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे इस वाली क्लिप में मैंने जैसे इसका यूज किया मेरी हेल्थ एकदम 20% थी, मतलब 20 एचपी थी, यहाँ से मुझे फिर से 80 दे दिया तो मेरे पास फिर से 100 एचपी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके फिर से 20 एचपी पे आकर रुक जाएगा। तो मतलब तुम फाइट करते समय इसका यूज कर लोगे ना तो तुम्हारी हेल्थ फिर से एक बार फुल हो जाएगी और तुम आराम से फाइट को जीत सकते हो। दूसरी स्किल्स की बात करूं तो इसकी स्किल्स ये है कि तुम क्रोनो की शील्ड पे और ग्लू वॉल पे 110% तक ज्यादा डैमेज दे सकते हो इसकी एक्टिव स्किल यूज करने के बाद। अब देख सकते हैं यहाँ पे यूएमपी की 15-15 गोलियों में 2-2 ग्लू वॉल को तोड़ सकता हूँ, यहाँ मतलब 42 गोलियां लोड होती हैं, 2-3 गोलियां कम नहीं तो मैं 3 ग्लू वॉल को तोड़ सकता हूँ आराम से इसके स्किल के यूज करने के बाद। और क्रोनो की शील्ड को भी ज्यादा डैमेज दे सकता हूँ, मतलब 15-20 गोलियों में तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा खास कैरेक्टर है, ये तुमको 80 एचपी ऐसे दे देता है कि तुम आराम से किसी भी फाइट को जीत सकते हो। तो बताना कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा तुमको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा कैरेक्टर तुम्हारा बेस्ट है गोल्ड में। तो यार अच्छी लगी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे।